बच्चों के टिफिन का खाना टेस्ट में अच्छा होने के साथ साथ लुक में भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ टिफिन सीरीज। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पनीर चीज कॉर्न टोस्ट की रेसिपी, जो टेस्ट में बहुत ही डिलीशियस है, दिखने में है बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव, और साथ ही साथ हेल्दी भी है। तो इस वीडियो को जरूर सेव कर लीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्कूल स्टार्ट हो चुकी है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। अब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सबसे बड़ा टेंशन ये खड़ा हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि भाई टिफिन में क्या दें बच्चों को, ऐसा कुछ दें जो एक्साइटिंग भी हो, बच्चे टिफिन फिनिश करके आए, जिससे हमें भी बहुत खुशी मिलती है। तो इस टेंशन का हल हम दूर किए देते हैं, हम बनाएंगे एक डिलीशियस सी रेसिपी जिसका नाम है चीज कॉर्न टोस्ट। तो चलिए ये आसान और डिलीशियस सी रेसिपी बनाते हैं। आपको ये भी बताएंगे कि क्या तैयारियाँ एक दिन पहले करनी है आपको, ताकि सुबह कम से कम वक्त में टिफिन बनकर तैयार हो जाए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में 2 टीस्पून के आसपास मक्खन ले लिया हमने, उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन, बस ज़्यादा नहीं, 10 सेकेंड लहसुन को पकाएंगे। फिर इसमें डालेंगे प्याज, तो 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया हमने। फिर इसमें डाल देंगे स्वीट कॉर्न, तो यहाँ हमने 1/3 कप स्वीट कॉर्न ले लिया। प्याज और स्वीट कॉर्न को बस 2 मिनट चलाते हुए पकाएंगे, ताकि स्वीट कॉर्न गल जाए और प्याज भी साथ में अच्छी सी नरम हो जाए। 2 मिनट सौटे करने के बाद शिमला मिर्च डालेंगे, 1 मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च हमने डाल दिया इसमें छोटा छोटा चॉप करके। बस इसे हम आधी मिनट पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। हमने 1/2 कप दूध लिया है, तकरीबन 125 ml, उसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर मिला देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके रेडी रखेंगे। फ्लेम को लो रख के हमने डालना है और फिर इसे तुरंत चलाना है ऐसे। थोड़ा नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम, 1/4 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स, 1/4 टीस्पून के आसपास चिली फ्लेक्स, 1 प्रोसेस चीज़ का क्यूब भी ग्रेट करके डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसका मिक्सचर ऐसा होना चाहिए, बहुत लिक्विड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ऐसा कि आसानी से ये स्प्रेड हो सके। इसी तरह ये मिक्सचर बनाकर रात में फ्रिज में रखा जा सकता है, 2 से 3 दिन भी फ्रिज में इसे हम रख सकते हैं, तो मॉर्निंग में हमारा काम आसान हो जाता है। बस फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमने यहाँ पर 50 ग्राम्स के आसपास पनीर लिया, छोटे छोटे पीसेस कर लिए। इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे थोड़ा, अगर आपके बच्चे तीखा नहीं खाते तो आप ये जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1 पिंच नमक भी डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने ऑयल गरम किया 1 टीस्पून, पनीर के पीसेस डाल देंगे उसमें। मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पनीर को क्रिस्पी कर लेंगे, बस 2 मिनट पकाएंगे इस तरह चलाते हुए। इस तरह पनीर को भी बनाकर एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में पहले ही रख सकते हैं 1 दिन पहले, ताकि नेक्स्ट डे आसानी से टिफिन तैयार हो जाए। अच्छी तरह पनीर के पीसेस क्रिस्पी हो गए, निकाल लेंगे, फ्लेम को बंद करेंगे। हमने ब्रेड की स्लाइसेस ले ली, कोने काट लिए और इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। मिक्सचर को लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, 2 टीस्पून के आसपास 1 स्लाइस ब्रेड पर। एक पैन पर थोड़ा थोड़ा बटर लगा के ग्रीस कर लेंगे। फ्लेम को लो रख के एक एक करके पीसेस डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी इस पर मोज़रेला चीज़ लगा देंगे, जो ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। पनीर के पीसेस लगा देंगे ऐसे थोड़ा दूर दूर। इस पर हम थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स स्प्रिंकल करेंगे, ओरिगैनो भी की जा सकती है। इसे हमने कवर कर दिया है, 5 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर चीज़ के मेल्ट होने तक। 5 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर, चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और नीचे ब्रेड क्रिस्पी भी हो गई है। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट से टिफिन बॉक्स भर लेते हैं।
करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो ज़रूर से हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना खास ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।